आज दिनांक 14 मई को लॉकडाउन का 51वां दिन है और व्यापारी वर्ग इस बंदी के दौरान बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मोदी नगर की सभी इकाई के व्यापारियों ने M4U चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपने अपने मन की बातें कही और अनुरोध किया कि व्यापारियों के हित के लिए मोदी जी कुछ आवश्यक निर्णय लें जिससे व्यापारियों को राहत मिल सके। आइए सुनते हैं मोदी नगर के व्यापारियों की मन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं M4U न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज लॉकडाउन को पूरे 51 दिन पूरे हो चुके हैं और कहीं न कहीं जब व्यापार सभी के बंद हैं तो व्यापारियों में भी एक हलचल देखने को मिल रही है। वहीं आज मोदी नगर के उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के सभी अलग अलग इकाइयों के व्यापारी अपने मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से करना चाहते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष अमित गोयल जी। आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं मोदी जी से अमित गोयल जी। वेलकम अमित जी। धन्यवाद नीरज जी। आज व्यापारी बहुत ज्यादा संकट में हैं और मैं समझता हूं कि ये GST और नोटबंदी से भी ज्यादा बड़ी संकट व्यापारियों के लिए है, क्योंकि व्यापारियों की स्थिति बहुत भयानक हो चुकी है। इन 50-55 दिनों में व्यापारी को यह समझ नहीं आ रहा कि जब वो अपनी दुकान खोलेगा तो कितनी वो दुकानों के किराए दे पाएगा, लड़कों के खर्चे निकाल पाएगा, क्या उसकी दुकानदारी का पैमाना होगा, काम उसके पास होगा या नहीं होगा, और सारे खर्चे बहुत बड़े स्तर पर व्यापारी के सिर पे खड़े हैं। मैं मोदी जी से, आपके चैनल के माध्यम से, मैं मोदी जी से ये मांग रखना चाहता हूं कि खुदरा व्यापारी हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और वो व्यापारी, उनमें से भी कई व्यापारी ऐसे हैं जो 20 लाख से नीचे के दायरे में आते हैं टर्नओवर में, तो वो GST में रजिस्टर्ड नहीं है। सरकार के लिए सभी औलादें एक समान होती हैं, तो ऐसे ही हमारे लिए सब व्यापारी एक समान है, चाहे वो ठेली पटरी लगा रहा हो, चाहे वो उद्योगपति हो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि जो लोग GST रजिस्टर्ड नहीं है, हमें हमारी सरकार को उनके बारे में भी सोचना चाहिए और उनके आर्थिक पैकेज के लिए भी घोषणा करनी चाहिए ताकि उन लोगों को भी हम मरहम लगा सकें और उन्हें भी हम हिंदुस्तान में जिंदा रख सकें, वो भी अपने देश का व्यापार देश में तरक्की में वो भी जो है अपनी सहभागिता देते रहें। नीरज जी, दूसरी विशेषकर मैं आपको ये बात रखना चाहता हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था जिसके हम देश के सभी व्यापारियों ने, लगभग 95% व्यापारियों ने उनका दिल से आभार व्यक्त किया था कि ऑनलाइन जो कंपनीज हैं जैसे Amazon, Flipkart जैसी कंपनियां हैं, उन कंपनियों को हमें कहीं ना कहीं अगले 1 साल से 2 साल तक हमें बैन करने की आवश्यकता है। हम नहीं चाहते कि देश का पैसा हम लोगों में आपस में जो कमाई का हो, बिक्री का हो, जिससे रिवेन्यू इकट्ठा हो, वो बाहर की कंपनियां आए और कमा के चली जाएं। हम ये चाहते हैं कि हम अपने व्यापारियों से भी और आम जनता से भी हम इस बात की अपील करते हैं कि स्वदेशी रोजगार पे ज्यादा ध्यान दें और बाहर के प्रोडक्ट्सों पे कम ध्यान दें, अपने लोकल के प्रोडक्ट्सों को ज्यादा खरीदें, उस पर ज्यादा से ज्यादा नंबर 1 का आप उसे प्रोवाइड करें, टैक्स से माल खरीदें और सरकार को रिवेन्यू दें। तो इस समय सरकार भी दिक्कत में है, हम भी दिक्कत में हैं, ज्यादा से ज्यादा हम सरकार को रेवेन्यू देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बाहर की कंपनियों को मोदी जी पूरी तरीके से प्रतिबंध रखें और हमारा सहयोग करें, हम ही आपके देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापार मंडल। क्या नाम है आपका? मैं निर्दोष खटाना, महामंत्री उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल से। क्या बात कहना चाहते हैं मोदी जी से आप? मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मेरा जो व्यापार है बोर्ड, प्लाई, हार्डवेयर, वुडन से संबंधित व्यापार है, सभी व्यापार इस टाइम बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं और सभी लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन मैं अपने व्यापार की अगर बात करूं तो व्यापार अभी तो पता नहीं लॉकडाउन कब खुलेगा, पहले तो हमें यही देखना है, और जब खुलता है उसके बाद हमारे क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब तो खैर सामना करना पड़ ही रहा है हमें बहुत ज्यादा, लेकिन खुलने के बाद भी हमारे सामने क्या दिक्कत आएगी? हमारे सामने दिक्कत आएगी, हम व्यापार खोलते हैं, मान लो हमारा किसी पे 10,000, 20,000, 50,000 का हमने किसी को उधारी दी हुई है, वो उधारी हमारी बहुत जल्दी से वापस नहीं आएगी, और जो हमारी लेबर है वो लेबर भी घर जा चुकी है, बाहर की भी लेबर थी, लोकल की भी, वो पता नहीं कब आ पाएगी। तो मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा कि हम लोगों को जिस स्तर का व्यापारी है उसी स्तर से हमारी अगर कोई लोन लिमिट चली हुई है तो उसमें अच्छी खासी हमें थोड़ी बढ़ोतरी करी जाए। मुझे कम से कम जो मेरा व्यापार है 10 लाख रुपए का एक और मदद की जाए, थोड़े कम से कम इंटरेस्ट में, बस यही कहना चाहूंगा। जय व्यापारी, जय व्यापार। क्या नाम है आपका?
मैं मुकुल साहनी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मोदी नगर इकाई से मीडिया प्रभारी हूँ। मेरा अपना कैटरिंग का और पानी का व्यापार है। जिस प्रकार हमारे देश में महामारी आई है और हमारे व्यापार अगर हम बात करें तो लगभग अगले 1.5-2 साल के लिए हमारे खत्म हो गए, तो मेरा मोदी से एक अनुरोध है कि कृपया वो इस चीज पर ध्यान दें कि जैसे हम फार्म हाउस में जाते हैं या हम कहीं पर कैटरिंग करते हैं, टेंट वगैरह लगे हुए हैं, तो हम लोग वहां पर साइलेंट पंखे जो होते हैं जो जिससे हम पानी छिड़कते हैं गर्मियों में, तो पंखे हमारी तरफ से हो जाए और जो सैनिटाइजेशन की जो मेडिसिन आती है वो हमारी पार्टी की तरफ से हो जाए, तो दोनों का जो खर्चा है वो आधा आधा हो जाएगा। उससे क्या है, अब मोदी जी ने कहा है कि 50 आदमी के ऊपर जो है वो गैदरिंग नहीं कर सकते, तो उसमें हम 100 कर ले। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जहां पे हमारे कारीगर बैठते हैं वहां पर हम 2 पंखे लगा दे परमानेंट, वहां पे सैनिटाइजेशन होता रहेगा हमारा। अच्छा, तीसरी चीज हैंड ग्लव्स हैं, मास्क हैं, हमारे कैप हैं, इन चीजों का प्रयोग करें। अगर मोदी जी इस चीज का आदेश करते हैं तो हम लोगों को, कैटरिंग वालों को, जो हमारे साये वाले भाई हैं, उन सभी को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो मेरा अनुरोध है कि आपके चैनल के थ्रू अगर बात हमारी मोदी जी तक पहुंचती है और वो इस बारे में, इस विषय में कुछ सोचते हैं तो हमारे व्यापारी भाइयों को बहुत राहत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राम अग्रवाल, मैं उपाध्यक्ष हूँ संयुक्त व्यापार मंडल का, और मैं चूंकि स्कूल चलाता हूँ तो मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहता हूँ, सारे स्कूल वालों की तरफ से कहना चाहता हूँ, आज हम पे जो अभिभावक हैं उनका बहुत दबाव है कि फीस छोड़ दी जाए, फीस छोड़ दी जाए। अगर हम फीस छोड़ देंगे तो हम सैलरी कैसे देंगे? हमारे लिए मुश्किल काम है कि हम सैलरी दे पाए। इसलिए मेरा सरकार से कहना है कि हमारे लिए भी सोचे, कुछ इस तरह का पैकेज करें कि हमारी फीस में कुछ डिडक्शन हम कर पाए। हम सरकार के साथ मिलकर खड़े हैं इस मुसीबत के दौर में और हर तरह से हम साथ देंगे, लेकिन सरकार हमारे लिए कुछ सोचेगी तो हम भी जरूर सोचेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा पाठक है, मैं महिला मोर्चा से कोष अध्यक्ष हूँ और साथ ही साथ मैं टीचिंग भी करती हूँ। सरकार ने बहुत अच्छा एक सहयोग दिया है कि ऐप जून ऐप से जो स्टार्ट करी है वो बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद तो है, लेकिन टीचर्स बहुत मेहनत कर रही हैं, उसके बावजूद भी उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जो उनको मिलना चाहिए स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उसके अंदर डिस्टर्बेंस बहुत आती है और उनको प्रॉपर तरीके से कई बार कनेक्शन भी नहीं हो पाता, कनेक्ट भी नहीं हो पाता। तो हम ये चाहते हैं मोदी जी से कि बच्चों को स्टडी के लिए कुछ और भी अच्छा सा मतलब सुझाव दें और समझाएं कुछ। धन्यवाद। बहुत ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज सोनी है और मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। क्या मोदी जी से आप अपने मन की बात कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो ये देश इस वैश्विक महामारी से गुजर रहा है, मैं सरकार के प्रयासों का और जनता के और व्यापारियों के सहयोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा सराफे का व्यापार है और ये बहुत ज्यादा लग्जीरियस आइटम है। लॉकडाउन के बाद लोग अपनी आम जरूरतों में लगेंगे तो इससे इंटरेस्ट कम हो जाएगा। मोदी जी, आपका एक बहुत अच्छा चैप्टर रहा मेक इन इंडिया और आप एक और नया चीज लेकर आए हैं मेड इन इंडिया। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो हमारा काम होता है वो 2 पार्ट में होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में तो लोग कम हो जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में मैं ये चाहता हूं कि आप मेड इन इंडिया के अंतर्गत जो आप अभी स्कीम्स कुछ लॉन्च भी किए हैं आपने, तो मेड इन इंडिया के अंतर्गत आप जो हमारे यहाँ ज्वेलरी बनाते हैं उनके लिए कुछ ऐसा व्यवस्था करें कि उन्हें कोई बिना गारंटी के लोन मिल जाए जिससे वो अपना काम बढ़ा सकें, सस्ते रेटों पर तैयार हो और हम लोगों को भी अच्छी सेवा दे सकें। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अरे शर्मा, मैं उपाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल में। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से आप? देखिये, मेरे न्यूकम फार्मास्यूटिकल्स के नाम से मोदी नगर में काम है और लॉकडाउन की जो मैं स्थिति देख रहा हूँ उसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया। हमारी दवाइयों का बहुत सारा मटेरियल बाहर से इम्पोर्ट होता है जिसकी वजह से रॉ मटेरियल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और दवाइयों के रेट लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करूंगा कि रॉ मटेरियल के ऊपर जितना भी टैक्स लगता है उसको छोड़ दिया जाए या हमें कम रेटों में रॉ मटेरियल जो है अवेलेबल कराया जाए जिससे दवाइयों के दाम कम हो जाएंगे और हम जनता को जो है बहुत ज्यादा लाभ दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित थोड़ा है, मैं उपाध्यक्ष हूँ व्यापार मंडल का, संयुक्त व्यापार मंडल का। बेसिकली मेरा इंश्योरेंस का काम है और मेरे काफी सारे साथी इंश्योरेंस के काम में हैं। हम लोगों को सरकार ये कह रही है कि जो भी संस्थान खुलेगा उसमें जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका मेडिकल इंश्योरेंस होना जरूरी है, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस करने के लिए हमारे साथी जा रहे हैं और काफी लोग इसमें दिक्कत में भी हैं। हमारे कई साथी और जगह से कोरोना के भी इसमें आ गए, पेशेंट हो गए हैं क्योंकि वो ऐसी ऐसी जगह जा रहे हैं। तो हमारे तो सरकार से कहना है कि हमारे साथियों के लिए भी सरकार कुछ सोचे। दूसरा, जो व्यापारियों के लिए भी एक बात है, उसमें
कि जब हम व्यापारी हैं, हमारे साथी व्यापारी हैं, व्यापारियों से सरकार कह रही है कि अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कराओ। जब एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कराएगा तो उसके पास पैसे ऑलरेडी नहीं, वो खर्चा कैसे करेगा? सरकार कम से कम उसमें जीएसटी तो छोड़े, सरकार का जीएसटी का 18% का पार्ट है। अगर जीएसटी सरकार छोड़ देती है तो जो व्यापारी है उसके लिए वो जीएसटी एक अच्छी खासी फायदेमंद होगी और उसमें उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम कम हो जाएगा। तो मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि सरकार को व्यापारियों के लिए भी और हमारे लिए भी दोनों चीजें इस बारे में सोचनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशु खान है। मैं प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ सर, इतने टाइम से लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग हम लोग लॉकडाउन में ही थे और मेरा साड़ियों का व्यापार है। अभी उसमें बहुत ड्रेसेस वगैरह भी है जिनका सबका फैशन आउट हो जाता है कुछ टाइम के बाद। अभी हमें सब नई परचेजिंग करनी पड़ेगी, स्टाफ को भी पे करना पड़ेगा, तो अभी इसमें जो भी हेल्प कर सकती है गवर्नमेंट वो हमारे लिए करेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू शर्मा है, मैं व्यापार संगठन की उपाध्यक्ष हूँ मोदीनगर से। मोदी जी से क्या मन की बात कहना चाहेंगे आप? मैं मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि मेरा ब्यूटी पार्लर है और जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो ब्यूटी पार्लर एकदम एक खतरनाक वाली चीजें हो जाएंगी। हर एक इंसान तो अपना सामान बेच देता है लेकिन हम तो एक दूसरे को टच करे बिना काम नहीं कर सकते। तो मैं चाहती हूँ पिछले 6 महीने तक हमारा आगे कोई काम चलने वाला नहीं क्योंकि शादी का सीजन आपने खत्म कर दिया है। तो इसके लिए यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव है या हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है तो प्लीज मोदी जी आप लोग हमारे लिए भी कुछ देखिए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मैं दिनेश चौधरी हूँ जी। क्या करते हैं आप? जी मैं डीए साउंड एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ मोदीनगर से। क्या मोदी जी से क्या मन की बात कहना चाहेंगे? सर मोदी जी से यही कहना चाहेंगे, हमारा जो रोजगार है बिल्कुल कंगाली के कागर पर आ चुका है इस टाइम। पहले से 3 महीने से बंद है और आने वाले 6 महीने में और भी ऑफ है। तो मोदी से कहेंगे हमारे लिए कुछ सहायता जो हम अपना ऑफिस का किराया है हमारा और जो हमारे गोदाम का है, लेबर का चार्ज है, तो हम कहाँ से करें? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील शर्मा है और गोकुल लाइट के नाम से मेरी फर्म है, लाइट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। मोदी जी से क्या अपने मन की बात कहना चाहेंगे आप? मोदी जी से मेरे यही अनुरोध है कि जो हम साई लाइन से जुड़े हुए हैं, जिन पर गोदाम का किराया, लेबर की तनख्वाह चढ़ रही है, फार्म के लीज के पैसे देने जो हम पे नहीं हो पा रहे, और मुझे इस हिसाब से लग रहा है कोरोना वायरस से कि हम 1.5-2 साल पीछे हो जाएंगे, तो यही कि हमारे बारे में भी कुछ सोचा जाए। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव गर्ग है और मैं प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं बिल्डर हूँ, फिर मैं फ्लैट बनाकर बेचता हूँ। मोदी जी से क्या अपने मन की बात कहना चाहेंगे आप? बस मोदी जी से इस मंदी में यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोगों के लिए कुछ हेल्प हो, क्योंकि इस टाइम से लोगों के खाने कमाने के पैसे नहीं है, तो फ्लैट लेने के कहां से आएंगे। ठीक, अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 8445657566।